बात बिहार की होती है तो जहन में कुछ खास त्योहार और कुछ खास पकवानों का स्वाद आ ही जाता है। यहाँ छठ की छठी निराली है तो मकर संक्रांति की भी अनोखी ही बात है। लिट्टी चोखा में अजब बात है और ठेकुआ का अलग ही स्वाद है। नमस्कार, मैं प्रज्ञा। आज हम बिहारी जायका में बिहार के उस व्यंजन की बात करेंगे जिसे लोग अपनी डाइट में शामिल करते हैं। एक ऐसा व्यंजन जिसे न तो पकाने की जरूरत होती है और न ही गर्म करने की। यह व्यंजन न केवल स्वाद में बेहतर होता है बल्कि सेहत के लिहाज से भी इसके कई फायदे होते हैं जिसे खाकर लोग तरोताजा महसूस करते हैं। यह व्यंजन आपके पेट को स्वस्थ और भरा हुआ रख सकता है। हम बात कर रहे हैं बिहार के फेमस व्यंजन दही चूड़ा की। आमतौर पर यह व्यंजन बिहार, यूपी, झारखंड के साथ ही नेपाल में लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है। वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार का मिथिला जिला दही चूड़ा के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग दही चूड़ा इतना पसंद करते हैं कि इनके हर भोज में इस व्यंजन को शामिल किया जाता है। बता दें कि बिहार में इस व्यंजन को सबसे ज्यादा पसंद मकर संक्रांति के त्योहार पर किया जाता है। बता दें कि पौराणिक कहानियों से लेकर पारंपरिक कर्मकांड में दही चूड़ा का जिक्र होता है। पूरे भोजपुर में कोई शुभ काम, विशेषकर दावत, तब तक पूरी नहीं होती जब तक दही चूड़ा ना परोसा जाए। बिना आग यानी चूल्हे के ही यह खाना तैयार हो जाता है। मिठास के लिए पारंपरिक ढंग से इसमें देसी गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है। यह भोजन हाई फाइबर और लो कैलोरी से भरा हुआ है। वैसे तो मकर संक्रांति पर इसका खास महत्व है, लेकिन कई परिवार दैनिक तौर पर बतौर नाश्ता इसे लेते हैं। वहीं अगर इसके इतिहास को देखें तो मान्यताओं के अनुसार बिहार में दही चूड़ा खाने की परंपरा यहां उपजी वैदिक कथाओं का असर है। कहते हैं कि जब मनु ने पृथ्वी पर बीज रोप कर खेती की शुरुआत की थी तब वह अन्न उपजे थे, जिससे सबसे पहले खीर बनाया गया जिसे क्षीर पाक कहा गया था। इसके बाद दूध से दही बनाने की परंपरा विकसित हुई तो धान के लावे को इसके साथ खाया जाने लगा। भोजन को तले जाने की व्यवस्था की शुरुआत तब नहीं हुई थी। महर्षि दधीची ने सबसे पहले दही में धान मिलाकर भोजन की व्यवस्था की थी। मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि इसका साक्षी सारण जिला है। बता दें कि बिहार के सारण जिले में मां अंबिका भवानी की मंदिर स्थित है, जो कि सतयुग के समय ऋषि की तपत स्थली हुआ करती थी। एक बार अकाल के समय ऋषि ने माता को दही और धान का भोग लगाया था, तब देवी अन्नपूर्णा रूप में प्रकट हुई और अकाल समाप्त हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि बिहार के मिथिला जिले में दही चूड़ा को लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जाता है और साथ ही बिहार का यह जिला इस व्यंजन के लिए खूब प्रसिद्ध भी है। मान्यताओं की माने तो उनके अनुसार दही चूड़ा खाने की परंपरा मिथिला से भी जुड़ी हुई है। धनुष यज्ञ के समय मिथिला पहुंचे ऋषि मुनियों ने दही चूड़ा का भोज किया था। इतने बड़े आयोजन में ऋषियों के भोजन से इसे प्रसाद के तौर पर लिया गया और फिर दही चूड़ा की परंपरा चल पड़ी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मान्यता के अनुसार दही चूड़ा की आधुनिक परंपरा को लाने का श्रेय बंगाल के गौर सिद्धों को भी दिया गया है। यह कहानी तब की है जब बिहार नहीं बंगाल ही स्टेट हुआ करता था। उस समय यहाँ चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रघुनाथ दास ने बड़े पैमाने पर दही चूड़ा का प्रसाद बंटवाया था। उन्होंने यह उत्सव सजा के तौर पर किया था क्योंकि उन्होंने छिपकर सत्संग सुन लिया था। इसके बाद बंगाल में दही चूड़ा की एक परंपरा बन गई जो हर उत्सव के साक्षी है। मिथिला निवासी इस व्यंजन को अपने सभी त्योहारों जैसे जितिया, नवरात्र, तिला संक्रांति, सीमा चौकेबा, दुर्गा पूजा में शामिल जरूर करते हैं। आमतौर पर इस भोजन को ब्राह्मण जाति के साथ एक लोकप्रिय संबंध सौंपा गया है। इसके साथ ही इसे लोकप्रिय कहावत से भी जोड़ा गया है। तो आइए जानते हैं दही चूड़ा खाने से होने वाले सेहत से जुड़े फायदों के बारे में। जो लोग वजन कम करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं तथा नाश्ता में एक हेल्दी ऑप्शन की तलाश में हैं, वे लोग दही चूड़ा या दही चिवड़े का सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है। साथ ही पोषक तत्वों से भरपूर दही चूड़ा लंबे समय तक आपके पेट को भरा हुआ रखता है, इसलिए वजन कम करने वाले लोग अपने आहार में दही चूड़ा को शामिल कर सकते हैं। पेट की खराबी या फिर दस्त, कब्ज जैसी समस्या से परेशान लोगों के लिए भी दही चूड़ा खाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि दही चूड़ा में शक्कर की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें। साथ ही आप इसमें एक केला मसलकर भी डाल सकते हैं। इससे पेट की खराबी दूर होने के साथ ही आपका पाचन भी दुरुस्त रहेगा। दही चिवड़े या दही चूड़ा में पर्याप्त मात्रा में आयरन मौजूद होने के कारण या आयरन की कमी वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है।
क्योंकि इसमें एनीमिया रोग होने का खतरा टाला जा सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था में महिलाओं को दही चूड़ा का सेवन लाभ दे सकता है, क्योंकि इसके सेवन से उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है और शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति भी हो जाती है। दही चूड़ा के गुणों से तो आप परिचित हो ही गए। आपको बता दें कि इस व्यंजन का सबसे खास बात यह है कि यह मिनटों में तैयार हो जाता है और वह भी बिना किसी झंझट के। तो अगर आपके पास सुबह कम वक्त है तो इससे बेहतर नाश्ता कुछ नहीं हो सकता। बिहार के इस व्यंजन को बिहारवासी आलू गोभी की सब्जी के साथ भी खाना खूब पसंद करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बिहारी जायका में एक नए बिहारी व्यंजन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।